आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल को दहला देने वाली 7 ऐसी घटनाएं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सच्ची घटनाओं की। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेतों की भी अपनी दुनिया है और कभी कभी अपनी दुनिया से निकलकर हम मनुष्यों की दुनिया में आ जाते हैं। फिर कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं, जबकि कुछ लोग भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के अनुसार दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग उन दिनों उज्जैन रेडियो स्टेशन में मौजूद थे। दिसंबर का महीना था और रात के करीब 9 बज चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा था। यूरोपियन कार्यक्रम के इंचार्ज बैनर्जी इन स्टूडियो से बाहर निकले और टहलते हुए लॉन में चले आए। अचानक बैनर्जी ने देखा कि आम के पेड़ के नीचे एक पुरुष की छाया। अपना वहम समझकर बैनर्जी ने इसी ओर से ध्यान हटा लिया, लेकिन कुछ ही पलों में ऐसी घटना हुई कि बैनर्जी के होश उड़ गए। डर के मारे इनका बुरा हाल होने लगा। बैनर्जी ने देखा कि लॉन में मेज के पास रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी अचानक हवा में उठने लगी और फिर नाचने लगी। इसके बाद सीढ़ी के दरवाजे से टकराकर कुर्सी टेढ़ी हो गई। इस नजारे को देखकर भय से कांपते हुए बनर्जी किसी तरह मेज पर रखे टेलीफोन तक पहुंचे और ड्यूटी रूप में फोन करके बताया कि उनकी हालत खराब हो रही है। ड्यूटी रूम में मौजूद लोग भागकर लॉन में पहुंचे। ड्यूटी रूम में पहुंचने के बाद बनर्जी ने बताया कि उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा कि रात रेडियो स्टेशन के गलियारे में कोई छाया टहल रहा होता है या दिखने में अंग्रेज जैसा लगता है। ज्योतिष सागर नामक मासिक पत्रिका में इस घटना का उल्लेख किया गया है। यह घटना 1945-46 के बीच की मानी जाती है। अब बात करेंगे हम दूसरी सच्ची घटना की। नॉरफॉक इंग्लैंड के रहम हाल में 1936 में कमरे में कैद हुए ईसाई को ब्राउन लेडी कहा जाता है। इसमें भूरे रंग के बूटेदार कपड़े पहनी हुई महिला को देखा गया था। इसका नाम लेडी टोरोथी था, जो चार्ल्स टाउनशेड नामक व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी। महिला को विश्वासघात करने पर सजा के रूप में घर में बंद कर दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। कई लोगों के साथ जॉर्ज पंचम ने भी कहा था कि उन्होंने एक भूरी महिला को देखा है। अंततः एक दिन में उसकी तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए। बाद में यह तस्वीर लाइफ मैगजीन में भी प्रकाशित हुई। शिकागो का यह कब्रिस्तान अपनी कुछ अजीबो गरीब हालत के कारण बंद कर दिया गया। 1999 में घोस्ट रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों ने इस कब्रिस्तान की जांच के दौरान अपने हाई स्पीड इंफ्रारेड कैमरे से कई तस्वीरें ली थी। जब यह फिल्म डेवलप होकर आई तो कई लोगों के होश उड़ गए। एक अदृश्य महिला बहुत पुराने जमाने कपड़े के पहने हुए दिखाई दी। 1968 में लॉस एंजलिस में अध्यात्मवादी सम्मेलन में लेखक रॉबर्ट ए. फर्गुसन भाषण दे रहे थे। कई फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन एक फोटोग्राफर की तस्वीर में उनके पीछे एक व्यक्ति का साया देखा गया। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना भी मानी जाती है। बाद में फर्गुसन ने जांच करवाई, स्वीकार किया कि यह उनका भाई वॉल्टर था, जिसकी मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड में अपनी माँ बेटी की कब्र पर हर बार शोक मनाने आती है। श्रीमती एंजू ने बेटी की कब्र की एक तस्वीर ली थी। जब उसे फिल्म रोल को डेवलप करवाया तो उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तस्वीर में कब्र पर एक छोटे बच्चे का साया दिखाई दे रहा था। वह श्रीमती एंजू को घूर घूर कर देख रहा था। बाद में जांच में पाया गया कि उनकी बेटी की कब्र के पास ही दो छोटी बच्चियों की भी कब्र है, जो तस्वीर में थी। ग्रेट ब्रिटेन अपने भूतों से जुड़े किस्सों के लिए मशहूर है। सेफ्टन चर्च भी इससे अछूता नहीं है। एक बार चर्च में प्रार्थना के दौरान आने वाले भक्त ने दूर खड़े काले साय को कैमरे में कैद किया। 1975 की बात है, बर्थलॉट परिवार रोजाना चर्च में प्रार्थना करने जाता था। उस दौरान श्रीमती बर्थलॉट एंटीबायोटिक्स पर जी रही थी।
वे बेंच पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी और दूर बैठे उनके पति तस्वीर ले रहे थे। जब तस्वीरें बनकर आई तो श्रीमती के पीछे सफेद औरत का भूत बैठा हुआ था। इस तरह की कहानी वहां प्रचलित हो गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के दौरान झुकता है तो वह साया उसके पास आ जाता है। अब हम बात करेंगे आखिरी और सातवीं सबसे सच्ची घटना। 2008 में शादी की तस्वीरें खींचने वाले फोटोग्राफर नील सैंडबैग ने हर्ड फोटोशॉप में एक फॉर्म की कुछ तस्वीरें उतारी। यह शादी होने से पहले लोकेशन की थी। नील ने जब कंप्यूटर में इन तस्वीरों को देखा तो अवाक रह गए। एक तस्वीर में उन्हें बच्चे का चमकता हुआ भूत दिखा, जबकि फोटो लेने के दौरान उस समय कोई नहीं था। लोगों से कुछ घटनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस मुठभेड़ में कई लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें वह एक भूत वाला लड़का भी था। न्यूज रूम से सृष्टि की रिपोर्ट।